और अभी हम हैं सेंटर से 10 किलोमीटर दूर और हमारे कंटेंट भैया ने एक गड़बड़ कर दी। कल जो परमिशन लेटर निकलवा के लाए थे वो पिछले साल का निकलवा लाए, पता नहीं कौन से गांव में सेंटर दिया है। ये स्कूल दिखाई दे रही है, ये है, और सेंटर देना है तो कहीं ढंग की जगह दो भाई राजस्थान सरकार वालों। इसमें भी सीट नहीं है, नहीं है सीट, नहीं है सीट, नहीं मिल रही है कहीं भी। हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह के बज चुके हैं 8 और आज आ गया है वो दिन 27 सितंबर। आज हम जा रहे हैं जयपुर, इन शख्स का है एग्जाम वो दिलाने के लिए। एग्जाम तो सिर्फ एक बहाना है, हमको तो घूम के आना है। और ये रहा हमारा अजय भाई, सब नहा धो के तैयार हैं, इंतजार है तो बस कंटेंट और गौरव का। कंटेंट गांव गया हुआ है, वो आने वाला है और गौरव नहा धो के गाड़ी लेके आ रहा है, फिर निकलेंगे। प्लान ये है कि जीतू भी जयपुर जा रहा है लेकिन गाड़ी में इतनी जगह नहीं है। और रात को एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, रात को मीटर में अचानक आग लग गई और पूरे घर की लाइट चली गई रात को 1 बजे। वो ऐसी हालत हुई हमारी, एक छोटा सा वीडियो बनाया था मैंने, वो देख लो आप, अभी अटैच कर दूंगा मैं। तो भाई रात के 2 बजे हैं और मैं बैठा हूँ बाहर अकेला। एक गड़बड़ हो गई है, हमारे पूरे घर की लाइट गायब हो गई है और कंटेंट और अजय गए हैं बिजली बोर्ड में, अभी पता नहीं क्या होगा। मेन मीटर में स्पार्किंग हुई और पूरे घर की लाइट गायब। तो आपने वीडियो देख लिया, हमारी ये हालत थी तो कोई भी सोया नहीं रात को। तो जीतू को पहले तो गाड़ी में ही ले जाने की बात थी लेकिन फिर मैंने बोला कि जीतू बस में आ जाएगा क्योंकि हम कोई भी सोए हुए नहीं है रात के, और वैसे भी परेशान हो गए हैं तो सारे सो के जाएंगे, गाड़ी गौरव चला लेगा। और इसी के साथ कॉन्टेंट भैया की एंट्री हो चुकी है। कॉन्टेंट भैया जल्दी से नहा लो, बिना नहाए तुम ही रहे हो। और हमारी बड़ी मम्मी संभालेगी घर इतने दिन, ये देखो बड़ी मम्मी का स्वैग। और ये बहू और सास का भरत मिलाप, भरत मिला भाई को है तो थारो के हुए। और ये आ गए हैं हमारे गौरव भैया और जीतू मैनेजर। तो लो अजय भैया जल्दी से नाश्ता करो भाई। जीतू ब्रो आज तो टीका वीका निकाल के। और ये हमारे गौरव भैया के जूते, इनकी लेस देखो, क्या बांधते हो भाई इससे जनरेटर। तो जल्दी से अब हम भी पोहे निपटा लेते हैं, थोड़ी देर में है आपका एग्जाम। कैसा फील कर रहे हो? नौटंकी। चलो गाइस अब टाइम हो चुका है ठेले रखने का, आ जाओ भाई जल्दी। गौरव भैया डिग्गी खोलो जल्दी। तो गाइस अब जा रहे हैं, फाइनली हमारी ट्रिप चालू हो चुकी है। बोलो जय बाबा की। जय बाबा की, बाबा हमारा सफर सही रखे। वैसे हमारे ड्राइवर पे मुझे विश्वास है। और ये यहाँ आगे बस लगी हुई है जहाँ जीतू मैनेजर यहाँ से आगे का सफर इस बस में तय करेंगे और हमें मिलेंगे शाम को 7 बजे जयपुर में। ओके जीतू भैया, शाम को फ्लैट पे मिलते हैं, आराम से जाना, शुभ जर्नी। आज अभी हम रुके हैं हनुमान जी के मंदिर में। इस मंदिर में सभी लोग रुकते हैं, चाहे बस वाले हो, ट्रक वाले हो, या हमारे जैसे पर्सनल गाड़ी वाले हो। यहाँ मान्यता है हाथ जोड़ के आगे जाने की। और इस शख्स ने कान पकड़ लिए हैं हनुमान जी के आगे। ये है पापड़, बड़े वाले पापड़, इनमें नमक छिड़क के दिया जाता है। दूर से देखने पे ऐसे लगती है डिस्पोजल वाली थाली हो। स्टूडेंट जी क्या हुआ, क्या हुआ स्टूडेंट जी? भाई गौरव ये तेरे घर वाली टंकी यहाँ कैसे पड़ी है, अब तू नहाएगा कैसे? गौरव घर पे है, जवाब दे भाई, इसमें पानी नहीं है। तो अभी हम है सीकर बाईपास पे और यहाँ पे हमारे गौरव भैया के जीजा जी आए हुए हैं, उन्हें थोड़ा सामान देना है। और हम भी पीछे डिग्गी से हमारे फोन का चार्जर निकालेंगे, फोन काफी कम ही चार्ज है, रात को लाइट ही नहीं थी घर पे, चार्ज कैसे करेंगे? भाई बंद मत करे, ऑटो खोल, चार्जर काटना है। तो गौरव भैया चले गए हैं अपने जीजा जी से मिलने के लिए। कैसा फील कर रहे हो गाइस सभी? बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। तो ऐसे चिल चिल रहो एकदम। ये मुझे क्या दिख रहा है, आप फालूदा पिला रहे हैं सामने जो रेडी लगी हुई है? अभी नहीं पिलाएंगे, अरे जयपुर पहुँचो। अभी का थोड़ा ऐसी मन क्या हुआ, विचलित हो रहा है सही में। लो भाई हम पहुंच गए रिंगस, ये आ गया रिंगस का बाईपास। क्या हालचाल टीम? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया हालचाल है। और ये हमने इसको क्या बोलते हैं, नेक रेस्ट, ये निकाल दिया है। ये
जो भी है, इससे पीछे का व्यू काफी अच्छा दिखेगा सभी का। बाइक पे रोटी देख लो भाई, ऐसा मत किया करो मेरी जान, वरना घास घास ही बचेगा। जयपुर पहुंचने से पहले हम रास्ते में रुक के खा रहे हैं पंचतारी के लड्डू। गौरव भैया घर से बन के आए हैं और ये लड्डू तो मुझे वैसे भी काफी पसंद है। दिखाओ जरा, अजय को छोड़ा है गोविंदगढ़ जयपुर से थोड़ा पहले, क्योंकि अजय को थोड़ा काम, वो शाम तक गोविंदगढ़ से वैसे हम 10 किलोमीटर आगे आ गए थे बात करते करते, उसे गोविंदगढ़ छोड़ना था। अभी वो शाम को हमारे को ज्वाइन करेगा, अपना काम निपटा के गोविंदगढ़ से जयपुर आ जाएगा और इतनी देर में हम इनका एग्जाम दिला देंगे और फिर कॉन्टेंट को और धर्म पत्नी जी को दोनों को बस में बैठा के रवाना कर देंगे। तो लो भाई 12 बजने में 5 मिनट हो रहे हैं और हम जयपुर पहुंच चुके हैं। काफी ट्रैफिक है और यहां से हमने सेंटर की लगा ली है लोकेशन, 1 घंटा दिखा रहा है। 1 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, 2 बजे गेट बंद हो जाएगा, 1 बजे हम सेंटर पहुंच जाएंगे। तो चलो अब सीधा सेंटर पे मिलेंगे आपको। तो भाई 12:30 से 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं और अभी हम हैं सेंटर से 10 किलोमीटर दूर और हमारे कॉन्टेंट भैया ने एक गड़बड़ कर दी। कल जो परमिशन लेटर निकलवा के लाए थे वो पिछले साल का निकलवा लाए, तो अच्छा हुआ ध्यान दे लिया। तो अभी मित्र पे गए हैं, पिछले से भी पिछले साल का, पता नहीं कौन से नशे में रहता है कॉन्टेंट। अभी गया है कि मित्र पे, अभी टाइम तो है काफ़ी, देखते हैं जल्दी पहुँच जाएंगे। और हम जहाँ खड़े हैं उसके पास ही एक बहुत ही शानदार महल टाइप से विला दिखाई दिया मुझे, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देते हैं। क्या हुआ गौरव भैया, कैसे सुस्त नजर आ रहे हो? थकान हो गई है ना, जयपुर के ट्रैफिक में बहुत ज्यादा थकान हो जाती है गाड़ी के अंदर बैठे बैठे। 1:10 हो चुके हैं और हम पहुंच गए हैं सेंटर के पास और पता नहीं कौन से गांव में सेंटर दिया है। ये स्कूल दिखाई दे रही है, ये है। तो हम पहुंच गए हैं सेंटर पे और अभी यहाँ तैयारी चल रही है एकदम शरीफ बनने की, सारी वेशभूषा चेंज करनी पड़ेगी, आभूषण सारे उतारने पड़ेंगे। वैसे जो राजस्थान से है वो कमेंट करके बताना, इस पेपर का कोई औचित्य है क्या? ये पेपर क्या है? बवासीर, बवासीर है ये पेपर, कोई पेपर के लिए एक कोई मतलब नहीं है इस पेपर का। और अगले महीने एक और है और सेंटर देना है तो कहीं ढंग की जगह दो भाई राजस्थान सरकार वालों, गाँव में सेंटर कौन देता है? ये है भाई वो सेंटर जिसके लिए इतना परेशान हुए थे, लाइन लगी हुई है यहाँ पे। इन दो महापुरुषों की हालत देखो, अभी टाइम हो चुके हैं 1:30 और पेपर छूटेगा 6 बजे, क्या करेंगे इतनी देर। तो भाई अभी 2:15 और अब हम यहाँ से जा रहे हैं मानसरोवर देवेंद्र के फ्लैट पे, एग्जाम खत्म होगा 6 बजे, तो इतनी देर यहाँ क्या करेंगे, आराम से वहाँ जाएंगे, फ्रेश व्रेश होंगे, थोड़ा बहुत कुछ खाना खाएंगे। धर्म पत्नी जी सेंटर में जा चुकी हैं, अब वो बाहर नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ 5:30 पहुँच जाएंगे वापस, फिर आगे की आगे देखेंगे। एक तो जयपुर और जयपुर की लाल बत्तियाँ, चल चल आगे बत्ती ग्रीन होगी चल। और अभी हमारा थोड़ा प्लान चेंज हो गया है, गौरव को थोड़ा काम था तो हम आगे टोंक रोड की साइड में मानसरोवर, हम वापस टोंक रोड से जाएंगे। घूमने के साथ साथ अपना काम भी निपटाएंगे। गौरव भैया का है टेंट का काम, तो उनको चाहिए पीओपी की कोई डिजाइन, तो उसके लिए हम यहाँ आए हैं। अब घूमने के साथ साथ व्यापार भी जरूरी होता है, आज आज में सारे काम निपटाएंगे, फिर 2 दिन बचेंगे उसमें देखेंगे कहीं घूमने जाएंगे। अभी देखते हैं टाइम बचेगा तो वापिस मानसरोवर चलेंगे, वरना वापिस चले जाएंगे धर्म पत्नी जी को लेने। फिर से रेड बत्ती और अब हम जा रहे हैं मानसरोवर हमारे दोस्तों के पास और बत्ती हरी हो गई है। और गाइस आखिरकार हम पहुंच गए हैं हमारे दोस्त देवेंद्र के फ्लैट पे। देवेंद्र भाई लाइब्रेरी गए हुए थे, अभी आए हैं, लगभग 2 घंटे घर पे आराम कर लिया है और अभी टाइम हो चुका है 5 बजने वाले हैं, 10 मिनट और है, अभी चलते हैं वापिस सेंटर पे। और अब देवेंद्र भैया भी हमारे साथ जाएंगे। डिग्गी खोलो, डिग्गी डिग्गी से गौरव की चप्पल निकालो, वो पड़ी चप्पल दे दो गौरव को। भाई हमें इस भीड़ ने रोक लिया है चाय की दुकान पे, इतनी भीड़ देखकर गौरव भैया ने बोला है कि चाय पियेंगे। चाय की दुकान पे भीड़ को देखते हुए
हमारा प्लान चेंज हो गया है, अब हम सिर्फ बड़ा पाव खाएंगे। बड़ा पाव में और ये देखो हमारा लच्छू हलवाई वड़ा पाव लेने के लिए खड़ा है। हमारे वड़ा पाव आ गए और गौरव भैया इनको निपटा रहे हैं। तू क्या खा रहा है साथ में? लड्डू। भाई गाड़ी खराब मत कर दियो। भाई इन दोनों का वड़ा पाव आ गया, मेरा नहीं आया, ये क्या बात है? मेरे वाला बन रहा है अभी। भाई वड़ा पाव खा के लग गए हमें भयंकर मिर्ची, तो अब आए हम कुछ मीठा खाने। भाई क्या ले रहे हो? स्लाइस ले ना। स्लाइस माता मस्त चीज है यार। अरे तो स्लाइस, अरे इतनी बड़ी हो गई अगर गर्म हो जाएगी। छोटी ले, छोटी ले। क्या तेरे को स्लाइस चाहिए या माजा? नहीं स्लाइस पिएंगे। काफी सोच विचार के बाद आखिरकार हमने ली है एक स्लाइस की बोतल। पीनी तो हमें लस्सी थी लेकिन वो हमें मिली नहीं, तो हम स्लाइस से काम चला लेंगे। तो गाय 6 बज चुके हैं लेकिन अभी तक बाहर कोई भी नहीं निकला है, अभी और टाइम लगेगा मुझे ऐसे लग रहा है। 6:10 पर छुट्टी हो चुकी है, बच्चे जा रहे हैं और हमने गाड़ी बाहर की साइड में लगा ली है क्योंकि भीड़ काफी हो गई थी, तो हमें पता था लेट हो जाएगी। इस भीड़ में से हमने हमारा कैंडिडेट चुन लिया है और उन्हें गाड़ी में बैठा लिया है। जल्दी से ओटीपी बताओ। बैगन। तो आपने हमारी ऑडियंस को नहीं बताया कैसा हुआ आपका सीईटी का पेपर? जिस दिन रिजल्ट आसी उस दिन बताती, फिर भी एक कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना इंसान में। मेरी जितनी रोटी बनाई थी बाबू कर्ज उतार देगी तू। गाइस रात के 8 बज चुके हैं और ये है सिंधी कैंप की हालत, बहुत ज्यादा भीड़ है और इस बस में देखने गए हैं कि सीट है या नहीं, लेकिन भीड़ को देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि इसमें भी सीट मिलेगी। इसमें भी सीट नहीं है, नहीं है सीट, नहीं है सीट, नहीं मिल रही है कहीं भी। अरे आगे है एक खड़े बना रहे। रात के बज चुके हैं 9 और हमारे गौरव भैया की हालत देखकर आप समझ ही जाओगे कि हम कितने परेशान हो चुके हैं। और ये सो रहे हमारे अभ्यर्थी और ये रहे हमारे कंटेंट भैया, ये रहे फ्लैट मालिक। तो हुआ कुछ ऐसे कि जैसे ही हम वहाँ पहुंचे वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी, बसें ओवरफ्लो थी और सीट नहीं थी, तो हमने सोचा कि रात रात ये दोनों यही रुक जाते हैं, सुबह चले जाएंगे। तो अभी फ्लैट पे पहुंचे, अभी सारे नहाएंगे, सभी की हालत खराब है बहुत ज्यादा, तो बस सो जाएंगे क्योंकि पूरे दिन से घूम रहे थे। तो इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। कल फिर से, कल परसों 2-3 दिन और जयपुर के व्लॉग आएंगे। तो टाटा बाय बाय।